पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे फरीदाबाद वासियों के लिए आज सुबह हुई तेज बारिश जहां राहत बनकर आई, तो वहीं शहर के तमाम इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही लोग अपने दफ्तर, जिस कारण लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं। लोगों का कहना है कि हर बार बारिश होने पर शहर का यही हाल होता है। प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर लेता है, लेकिन धरातल पर एक भी काम नजर नहीं आता। बरसात होने से, बरसात तो होनी चाहिए थी क्योंकि मुसबही गर्मी हो गई थी जय, लेकिन उसकी वजह से सारी गलियों में पानी भर गया है। मैं भी यहाँ पर पूजा करने आया हूँ तो मोटरसाइकिल पर आया हूँ जय। यहाँ पर पानी भरने से मकानों में भी पानी भर गया है, मतलब जब गली में पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है जय। समझे, इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर पानी की वजह से। बरसात तो ठीक है, मतलब उमस थी तो गर्मी होनी चाहिए थी जय, लेकिन ऐसा पानी भर जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं थी जय। शहर की सड़कों की बात करें तो किस तरह, शहर की सड़कों का सारा पानी भरा हुआ है, कहीं भी निकलने की कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। सीवरेज सिस्टम भी सही नहीं है, पानी भी मतलब वाटर सप्लाई भी ऐसे ही आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे ही पानी आ रहा है। प्रशासन दावे करता है कि लगातार पानी, प्रशासन दावे करता है, प्रशासन के दावे का कोई असर नहीं है। प्रशासन तो बहुत दावे करता है, सब फेल है। बरसात तो होनी चाहिए लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि गली का निकास नहीं है, पानी भरा रहता है कई घंटा। पूजा भी करने आए तो देखो पानी निकल के आए, इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। तो पानी ऐसे ही भरा रहता है कई घंटा, तो हाँ बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं छोटे, ये मह के निकले हैं, बड़े गिर जाएँ पानी में, बताओ क्या करें। बीमारी वैसी चल रही है, कोई ना कोई निकास होना चाहिए पानी को। तो राहत मिली है थोड़ी, हाँ बरसात होनी चाहिए, राहत तो है ही है, लेकिन पानी इतना भरना चाहिए ऐसे, एक घंटा पानी भर रहा है गली में, घरों में बड़ों हमारे में। और ये अंकल आए मोटरसाइकिल पर पूजा करवाने, ये भी गली में पीछे रहते हैं, करो अंकल। भैया देख ले पानी भर रहा, कैसे भर रहा है, दो दिन तक इतनी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, और अभी बारिश हुई है, थोड़ी गर्मी में राहत मिली है, और ये पानी देख ले कैसे भर रहा है, निकलने को रास्ता ना है। तो ऐसे ही हर बरसात, ऐसे ही हर बरसात में ऐसे भरता है। तो निकासी नहीं है पानी की? नहीं, नाली सब बंद करवा दी, और नीचे सड़क नीची पड़ रही है, और आगे मेन रोड ऊँचे, नीचे ये नीची है गलियों की, यही हाल है गलियों में भैया। ना बच्चे जा पाए स्कूल, ना ड्यूटी वाले जा पाए, जिनके पास गाड़ी है वो निकल जाए, जिन पे वैसे सवारी हो कैसे निकले, घर में बैठे सब। वही तेज बारिश के चलते शहर के पार्क भी पानी से लबालब भर गए हैं, जिस कारण लोग मॉर्निंग वॉक और ओपन जिम में एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बारिश से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जलभराव ने उनकी दिनचर्या प्रभावित कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ की ज्यादातर मुख्य सड़कें ऊंची हैं, जबकि कॉलोनियों की गलियां नीचे हैं, जिसके चलते यहां जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाने पर लोग काफी नाराज हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक उनकी समस्या का समाधान कर पाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।